नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मुखर्जी नगर में इंडिया के अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं। किसी का बैकग्राउंड सही होता है तो कोई बहुत पुअर बैकग्राउंड के होते हैं, किसी के पास इतना एडवांटेज नहीं होता है वो सर्वाइव कर पाए मुखर्जी नगर में। तो स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होती है कि जब वो मुखर्जी नगर में आते हैं ये सोच के कि पढ़ाई करेंगे अच्छे से, लेकिन वो यहाँ आकर देखते हैं कि चीज़ों का जो रेट है बहुत महंगा है और यहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम जो लो कॉस्ट के लॉज है, रूम है, उसका वीडियो हम बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो अभी आज हम आए हैं एक लॉज में। इस लॉज में आपको 2-2 हज़ार में, 2-2 हज़ार में रूम मिल जाएगा। तो ये जो लॉज है आप देख सकते हैं, दोनों तरफ रूम लगा हुआ है। अभी हम एस्पिरेंट्स के रूम के अंदर चलेंगे और चलकर आपको बताएंगे क्या कंडीशनिंग है उसमें और कैसे एस्पिरेंट्स लॉज में रह रहे हैं। तो ये जो रूम है आप देख सकते हो, ये एक सिंगल सीटर रूम है और सारे के सारे रूम सिंगल सीटर ही है। तो इस रूम में एक एस्पिरेंट्स रहते हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी भैया। कोई बात नहीं। तो भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम वैभव सक्सेना है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट कासगंज से बिलोंग करता हूँ। तो इस लॉज में कब से? इस लॉज में मुझे आए हुए अभी 2-3 दिन हुए हैं बस। बस 2-3 दिन ही हुए हैं, है ना? हाँ, 2-3 दिन। तो आप इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले पीजी में रहता था मैं, इंदिरा विकास कॉलोनी। अच्छा, तो यहाँ लॉज में आने का क्या रीज़न है आपका? लॉज में पीजी में तो हर एक फैसिलिटीज होते हैं। पीजी में सब चीज़ थी, सब चीज़ बढ़िया थी, लेकिन वहाँ पे क्या डबल सीटर थे। तो दूसरा वाला एसएससी की तैयारी कर रहा था, मैं यूपीएससी कर रहा था, तो मतलब डिस्टर्ब, थोड़ा डिस्टर्ब, टाइम टेबल मैच नहीं होते थे। टाइम टेबल मैच नहीं होता था और मतलब मैं रात को जल्दी से जाता था, वो रात को लाइट जलाते थे और रूम भी छोटा था ऐसे कुछ सामान रखने के लिए, उन्हीं की चेयर आ पाती थी, मेरी नहीं आ पा रही थी। तो फिर मैंने आपकी वीडियो देखी और पीजी भी मैंने आपकी वीडियो से ढूंढा था और रूम भी आपकी वीडियो से ढूंढा था। अच्छा, बहुत बढ़िया, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो आपने यहाँ जब रूम लिए, ठीक है, उस टाइम आपने कितने रुपए पे किए थे, मतलब रेंट कितना है रूम का? हाँ हाँ, जब मैं मतलब पीजी में था तो मैं यहाँ पे उन्हें 500 रुपये दे गया था दिवाली से पहले। अच्छा, बुकिंग किए थे आपने 500 रुपये कर ली थी 7 तारीख के लिए, आया मैं यहाँ पे 11 तारीख को था, तो उस दिन 1500 रुपये और दे दिए 2000 में। अच्छा, 2000 में रूम बुकिंग हो गया, कोई सिक्योरिटी वगैरह? कुछ नहीं, 500 रुपये दे गया था बुकिंग के बस, और उन्होंने ये कहा 100 रुपये और दे देना सफाई वफाई, वो जब अच्छा। सफाई करने वाली आती हैं उनके लिए 100 रुपये और बस 2000 में आपको रूम मिल गया। हाँ, 2000 में मिल गया। अच्छा, तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इनका रूम काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है। यही रूम अगर आप बत्रा के पास लेना जाओगे तो उसमें आपको 7-8 हज़ार रुपये लग जाएगा, ठीक है। वो भी इस कंडीशन में नहीं मिलेगा, इससे भी छोटा रूम मिलेगा, ठीक है। तो बाकी हाँ, आप कुछ बताना चाहोगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब आप जो काम कर रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मतलब कि अभी भी अगर मुझे ये भी अच्छा ही लग रहा है तो मतलब मैं आपसे पूछ के बदल भी सकता हूँ, मतलब आपके पास इतना वो है। और पीजी भी मैंने आपके उससे देखी थी, रूम भी आपके उससे देखा था, और मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हैं, सही है। तो आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो? मैं यूपीएससी के लिए आया हूँ। अच्छा, कितने दिनों से कर रहे हैं? अभी तो 2-3 दिन हुए आए हैं, अभी कोचिंग देखी है, अभी देखते हैं कौन सी ज्वाइन करें, कैसे क्या देखते हैं अभी। कोई भी न्यू एक्सपीरियंस है आना चाहे उसके लिए आपका एडवाइस क्या होगा यहाँ गोपालपुर में? हाँ, गोपालपुर में आ सकता है यार, अगर मतलब सिंगल भी रह सकता है, अगर ऐसे अगर दो दोस्त आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा बढ़िया है, एक ही रूम में दो लोग आराम से रह लें, चाहे खाना खुद बना लें, चाहे टिफिन लगवा लें, या अकेली भी आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर सब लोग बढ़िया हैं, रूम बराबर वालों से भी अगर आप कोई चीज़ कहो जब ऊपर नीचे, सब लोग बढ़िया हैं और ऑनर हैं जो वो भी बढ़िया हैं इसके। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया है ना? नहीं, और सामान वामान की भी अगर कुछ बात हो तो वो दिलवा देते हैं। कौन दिलवाते हैं? ओनर से मान लो कुछ चीज़ चाहिए हो। हाँ हाँ, टेबल कुर्सी वगैरह वो भी करवा देते हैं इंतजाम सेकंड हैंड में। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। बाकी अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए एक और रूम आपको दिखा दूंगा, आइए। ये जो रूम है ये एक एस्पायरेंट का रूम है, ये भी एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ये अभी शायद लाइब्रेरी में गया होगा। तो आप देख सकते हैं इनका जो रूम है काफ़ी वेल सेटअप है और इन्होंने कुछ इस तरीके का सेटअप करके रखा है। आप देख सकते हैं इधर चार्ट्स लगे हुए हैं, मैप भी लगा हुआ है,
ठीक है, ये इनका टेबल है, स्टडी टेबल है, और नीचे इन्होंने फिल्टर लगा के रखे हैं, और ये है वाटर बॉटल, वाटर कैन, और इधर इनका गद्दा वगैरह है, चेयर है, और इस साइड में आप देख सकते हैं सारे बुक्स रखी हुई है इन्होंने एसएससी के, और इस साइड में आप देख सकते हैं इनका किचन है, यहाँ रैग है, ठीक है, रैग में इन्होंने डेली यूज़ के कुछ सामान रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको भी अगर रूम की नीड है आप इस लॉज में आ सकते हो, बाकी स्क्रीन में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और भी डिटेल्स हमें पूछ सकते हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, आपको जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।